हेलो दोस्तों, एंजल रिसर्च सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के बारे में वैसे तो बहुत सारे वीडियो बनाए, बट आज हमने जो ये वीडियो बनाया है उसमें हम लेटेस्ट जानकारियाँ देंगे, जैसे कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, इनका काम कितना परसेंटेज हुआ है, कहाँ तक हो चुका है, कब स्टार्ट हुआ, कब चालू हुआ, कब बंद होगा, कब पूरा होगा, ये सब जानकारियाँ देंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने जानकारी दिया था कि दिल्ली से लेकर दौसा तक का 246 किलोमीटर का जो रूट है उसका काम पूर्ण हो चुका है और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन कर दिया है। पब्लिक ने उसके ऊपर से आना जाना भी शुरू कर दिया है। अभी जो सेकेंड फेज़ है वह है दौसा से लेकर बड़ोदरा तक का, तो दोस्तों उसमें भी काम फुल स्पीड में चल रहा है, परंतु उसको पूरा होने में लगभग मेरे हिसाब से 1 साल का समय लग जाएगा। तो 1 साल के अंदर अंदर अभी दौसा से बड़ोदरा तक का काम पूरा हो जाएगा और वह पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा। अभी वो तीसरा जो फेस है वह बड़ोदरा से लेकर विरार तक का है। हाँ, विरार यानी कि महाराष्ट्र में आता है, तो वह भी काम चल रहा है, स्पीड में काम चल रहा है, वह भी 2024 तक पूरा होने की संभावना है। चौथा फेस आता है विरार से लेकर मीरा भयंदर तक यानी कि मुंबई तक, तो वह काम जो है वह थोड़ा स्लो में चल रहा है क्योंकि उसमें कुछ ज़मीन का ऐसा प्रॉब्लम था, इसलिए ज़रा उसका जो डेवलपमेंट है वो इतना नहीं हुआ है जितना एक, दो और तीन फेस का हुआ है, तो वह अभी चल रहा है। और दोस्तों, विरार से जो दूसरा कट यानी कि एक्सटेंशन है वह है JNPT यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वहाँ तक का है, वह 91 किलोमीटर का है। उसका काम बहुत धीमी गति से चल रहा है, उसके तो अभी टेंडर पास नहीं हुए हैं। हाँ, उसके टेंडर भी किए गए हैं, अभी कौन कौन सी कंपनियों को मिला है उसका भी पता नहीं है, तो वह पूरा होने में लगभग अभी 2 से 2.5 साल का समय लग सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से यानी कि ये ऊपर ऊपर की मैंने जानकारी दी। अभी हम अगर डिटेल्ड में बात करते हैं तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वह बहुत ही धीमी यानी कि कोई भी परमिशन है या जो भी है बहुत धीमा काम कर रही है। जैसे पहले हमने देखा कि दिल्ली सोहाना से दौसा तक का जो पैच था लगभग 246 किलोमीटर का, वह इतनी फास्ट काम चालू हुआ कि वह पब्लिक के लिए ओपन भी हो गया। अभी सेकेंड फेज इतना लंबा है जो दौसा से लेकर यानी कि MP में दौसा रहा है, हरियाणा, वहाँ से लेकर अपने बड़ौदा तक का वह भी चालू हो जाएगा। पर अभी महाराष्ट्र में जो विरार के बाद में जो भी काम है, विरार से यानी कि मीरा भयंदर जो कि मुंबई में आता है और विरार से जो दूसरा कट पड़ता है यानी कि एक्सटेंशन है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के लिए उसका, तो वह जो है वो जमीन अधिग्रहण काम में ही महाराष्ट्र सरकार ने बहुत देरी लगा दिया और पब्लिक से यानी कि उसका जो मुआवजा दे के उस जमीन लेनी चाहिए वह लेने में टाइम लगा दिया, इसलिए वह बहुत ही लेट हुआ है। दोस्तों, काम तो वैसे फास्ट चल रहा है और जल्दी हम पूरे सफ़र का आनंद उठा सकेंगे। दोस्तों, यह जैसे कि सबको पता है पूरा एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस हाईवे है और इसमें सैटेलाइट थ्रू टोल कट होगा। जब आप जब भी एंट्री करेंगे आपको कोई टोल नहीं देना है, जब आप एग्जिट होंगे वहाँ तक आपका जितना भी किलोमीटर होगा वो किलोमीटर के हिसाब से आपको टोल देना होगा और वो टोल जो है वह 4-व्हीलर के लिए 60 पैसे पर किलोमीटर रखा गया है। दोस्तों, अभी हम एमिनिटीज़ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग सभी एमिनिटीज़ अवेलेबल हैं और यह पूरा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाईवे है दोस्तों। हाँ, यहाँ पर चार्टर्ड प्लेन भी उतर सकते हैं, हेलीकॉप्टर भी उतर सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।